तो दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो ये डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ, ईजी होगा समझने के लिए। तो देखिए पिछले क्वार्टर क्या होता, पिछले क्वार्टर में कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखें तो 23,475 करोड़ के आसपास के कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 20,233 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के इस क्वार्टर में देखा जाए तो 24,635 करोड़ के आसपास आ गए। तो साल देखें तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। लेकिन वहीं आप क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि 5% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू तो अच्छा खासा बढ़ा है 5% क्वार्टर क्वार्टर, अब 20% साल दर साल देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे देख लेते हैं, कंपनी ने क्या खर्चे किए हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 16,880 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 15,141 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में देखा जाए तो 17,788 करोड़ के आसपास कंपनी ने खर्च किए। तो कंपनी के खर्चे भी थोड़े से कंट्रोल में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस क्वार्टर में। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लिया जाए क्या बना है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में क्या होता था, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए जी हाँ, तो कंपनी ने 1,839 करोड़ मतलब 1,840 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट बना था। पिछले साल की बात करें तो 1,062 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 2,236 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो मैंने आपको क्या बताया कि साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर 20% की तेजी देखने को मिली है, लेकिन जब कंपनी के प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली डबल हो चुका है साल दर साल। जबकि क्वार्टर क्वार्टर बात करें तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 25% के आसपास की तेजी देखने को मिली। तो ओवरऑल बोले एक नंबर बहुत शानदार है। ईपीएस की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं ईपीएस क्या बना है कंपनी का। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी का एनपीए भी जो है, एनपीए के अंदर भी एक अच्छा खासा सुधार आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ईपीएस एनपीएस सारी चीज़ बातें करते हैं तो सभी चीज़ के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल नंबर बहुत शानदार है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, तो हो सकता है कि शेयर के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन आजकल बहुत सारे नंबर्स अच्छे रिजल्ट आने के बावजूद भी थोड़ी बहुत गिरावट आ जाती है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा जरूर। तो बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।